हेलो एवरीवन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम स्टडी कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट, जहाँ पे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पंचायती राज के बारे में। इसमें पढ़ेंगे हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट या म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज सर्व एज द बैकबोन ऑफ अर्बन गवर्नेंस। तो जो एक शहरी गवर्नेंस होता है उसका एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है अर्बन लोकल बॉडीज। ओवरसींग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। तो शहरों का जो डेवलपमेंट काम है या प्रशासन का काम है वो कौन देखती है? अर्बन लोकल बॉडीज देखती है। दीज अर्बन लोकल अथॉरिटीज हैव द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ डिलीवरिंग एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो अर्बन लोकल अथॉरिटीज़ है इसका क्या है, एक प्राइमरी ड्यूटी है डिलीवर करती है एसेंशियल पब्लिक सर्विस हो गया या कोई डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो ये सब इसका काम है। अगर बात करें एंट्री की बात करें तो स्टेट लिस्ट में ये एंट्री नंबर 5 है इसकी, एंट्री 5 ऑफ द स्टेट लिस्ट। इट डिजिग्नेट्स लोकल सेल्फ गवर्नेंस एज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंसस डेफिनेशन एन अर्बन एरिया इज आइदर सेंसस टाउन, क्या होगा, सेंसस टाउन होगा सिटी, और स्टैचुटरी टाउन होगा एसटी। सेंसस टाउन सिटी या स्टैचुटरी टाउन एसटी, अब क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। अगर बात करें एसटी की बात करें, स्टैचुटरी टाउन की बात करें, तो एनी प्लेस विद अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कोई भी जगह जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या म्यूनिसिपल काउंसिल हो या कैंटोनमेंट बोर्ड हो वो आ जाएगा स्टैचुटरी टाउन के अंदर में। ठीक है, सेंसस टाउन क्या होगा, ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5000 प्लस पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एंड मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन नॉट इंगेज इन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो सेंसस टाउन में क्या हो गया कि जनसंख्या होनी चाहिए वहाँ पे 5000 से ज़्यादा, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो मोर देन 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर पे 400 लोगों से ज़्यादा होना चाहिए। मोर देन 75% पॉपुलेशन नॉट इंगेज इन एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड, और उस एरिया का जो पॉपुलेशन है 75% से ज़्यादा के लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं होने चाहिए। द सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज थ्रू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, तो जो अर्बन गवर्नमेंट था जिस तरीके से पंचायती राज को 73rd अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था, उसी तरीके से अर्बन गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। अगर हम इसके इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ अर्बन लोकल अर्बन गवर्नेंस की, तो फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टार्ट होता है मद्रास में 1688, फिर बॉम्बे और कलकत्ता प्रोविंस में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेट हुआ इन 1726, फिर मायोज रिजोल्यूशन आया ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन 1870, ये पिछले वीडियो में देखा था। डिपन्स रिजोल्यूशन आया लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे 1882 में, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज मेड ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये ठीक कर लीजिएगा पिछले वीडियो में यहाँ पे 1935 दिया हुआ था, तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था यहाँ पे। फिर पैसेज ऑफ कैंटोनमेंट एक्ट 1924 एंड देन लोकल गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इसमें बात करें पहले पार्ट 9A, ये ऐड किया गया, नया सेक्शन ऐड किया गया हमारे संविधान में। ठीक है, जिसे कहा कि पार्ट 9A, और टाइटल दिया गया इसका द म्यूनिसपैलिटीज इन कंपासिंग आर्टिकल्स 243P2 243ZG। तो 243 से, ए से 243O तक आपका PRI था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे 243P से 243ZG तक आपका ये होगा। 12th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया, इट कंप्राइज 18 फंडामेंटल आइटम्स, यहाँ पे याद रखिएगा 18 फंडामेंटल फंक्शन आइटम्स हैं जो म्यूनसिपैलिटी से संबंध रखते हैं, वहाँ पे था पंचायती राज में 29। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन म्यूनसिपैलिटीज की बात करें तो ब्रिंगिंग देम अंडर द जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जैसे ही संविधान में हमारे लिखा गया इसको, तो ये क्या हो गया, जस्टिसिएबल पार्ट हो गया हमारे संविधान का, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। अब देखते हैं कुछ साइलेंट फीचर ऑफ 74th
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। 243 क्यू, इसमें दिया हुआ टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। नगर पंचायत, नगर पंचायत क्या होता है? नगर पंचायत इज फॉर दोज एरियाज विच आर ट्रांजिशनल एरियाज, जो एक ट्रांजिशनल फेज में है, मतलब रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज बनने के बीच में है अभी, उसको कहा गया नगर पंचायत। नगर शब्द भी है, पंचायत शब्द भी है। फिर म्यूनिसिपल काउंसिल, ए म्यूनिसिपल काउंसिल इज फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज। म्यूनिसिपल काउंसिल क्या हो गया, म्यूनिसिपल शब्द लग गया मतलब अर्बन एरियाज है, लेकिन काउंसिल है मतलब छोटा है, स्मॉलर है। फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल है मतलब अर्बन एरियाज है, कॉरपोरेशन बन चुका है मतलब लार्जर एरियाज है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरियाज। और ये आपका दिया हुआ 243 क्यू में, ठीक है। आर्टिकल 243 आर, यहाँ पे दिया हुआ कंपोजिशन की बात की गई है। ऑल द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसपैलिटीज आर टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द रेसिडेंट ऑफ द म्यूनिसिपल एरियाज डिवाइडेड इन टू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड वार्ड्स। तो म्यूनिसपैलिटीज के जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे रेसिडेंट के द्वारा, म्यूनिसिपल एरियाज के रेसिडेंट के द्वारा, जो कि बटा होकर अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे कहा जाएगा वार्ड्स, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड फॉर मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसपैलिटीज। द स्टेट लेजिस्लेचर ये क्या करेगा, बताएगा कि कैसे इलेक्शन करना है चेयरपर्सन का म्यूनिसपैलिटीज का। द फॉलोइंग पर्सन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द म्यूनिसपैलिटीज, ठीक है। कौन कौन लोग होंगे, तो पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। जो पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी शामिल होंगे इसमें और रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को कवरिंग होल्डली और पास ऑफ द म्यूनिसिपल एरियाज। चेयरपर्सन ऑफ कमिटीज, ठीक है, तो ये सब में शामिल होंगे। फिर आर्टिकल 243 एस में क्या दिया हुआ है कि वार्ड्स कमेटी के बारे में बात किया गया है, कि वार्ड्स कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर वार्ड्स, एक या उससे अधिक वार्ड होंगे, मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड विद इन म्यूनसिपैलिटीज के अंदर एस्टैब्लिश होगा विद अ पॉपुलेशन ऑफ 300,000 और मोर, जहाँ की जनसंख्या 300,000 से अधिक है, ठीक है, तो वहाँ पे ये किया जाएगा, वार्ड्स कमेटी बनाया जाएगा। फिर आर्टिकल 243 टी में बात की गई सीट्स की रिजर्वेशन के बारे में। द एक्ट जो होगा मैंडेट्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो एस सी और एस टी के लिए सीट रिजर्व किया गया है हर म्यूनसिपैलिटीज में, उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में उनका क्या है पॉपुलेशन है उस एरियाज में। इसके साथ साथ वीमेन के लिए भी सीट रिजर्व किया गया है, नॉट लेस देन 1/3, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग वीमेन फ्रॉम एस सी एंड एस टीज, ठीक है। और अगर स्टेट चाहे तो प्रोवाइड फॉर द मैन स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर मैनर ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द म्यूनसिपैलिटीज फॉर एस सी एस टी एंड वुमेन। तो एस सी एस टी और वुमेन के लिए जो चेयरपर्सन का ऑफिस होगा, अगर स्टेट चाहे तो उसमें भी रिजर्वेशन ला सकती है। इसके साथ साथ बैकवर्ड क्लास के लिए भी अगर रिजर्वेशन लाना चाहे तो स्टेट, तो वो भी लाया जा सकता है। आर्टिकल 243 यू बात करता है ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। तो इसका भी जो टर्म होगा 5 साल का होगा, बट इट कैन बी डिजॉल्व बिफोर कम्प्लीटिंग द टर्म, लेकिन टर्म पूरा होने से पहले इसको खत्म किया जा सकता है। फ्रेश इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट ए म्यूनसिपैलिटीज मस्ट बी कम्प्लीटेड आइदर बिफोर द एक्सपायरी 5-year ड्यूरेशन और विद इन द 6 months आफ्टर डिजोल्यूशन। वही बात है जिस तरह से पंचायती राज में था कि 5 साल का पूरा होने से पहले आपको इलेक्शन करवा लेना है, या अगर प्री मैच्योर डिजोल्यूशन हो गया है तो उसे 6 महीने के भीतर करवा लेना है, ठीक है। ए म्यूनसिपैलिटीज री कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिजोल्यूशन डज नॉट इन्जॉय द फुल पीरियड ऑफ 5 years, तो पूरा 5 साल का पीरियड इन्जॉय नहीं करेगी, बट रिमेन्स इन ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, जो रिमाइंडर पीरियड है सिर्फ उसी में काम करेगी। आर्टिकल 243 वी में बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन की, तो जो लॉ एग्जिस्टिंग लॉ है उस आधार पर डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे, या कोई कानून बनाया गया अगर जो वहाँ की राज्य सरकार है वो डिसाइड करेगी। जो मिनिमम एज है इलेक्शन का वो है आपका 21 years, ठीक है। और जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन होगा ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास। आर्टिकल 243 W, यहाँ पे दिया हुआ पावर्स एंड फंक्शन। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है कैन इम्पावर म्यूनसिपैलिटीज, ये म्यूनसिपैलिटीज को इम्पावर कर सकती है, मतलब इतना पावर और आपको जो नेसेसरी अथॉरिटी है ताकि वो एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की तरह काम कर सके, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो, सोशल जस्टिस हो,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम हो, ये सब आपका जो इसका 12th शेड्यूल में शामिल हो, तो ये सब पावर दिया गया है कि इस पर कुछ वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर सकती है। आर्टिकल 243 एक्ट से ये फाइनेंस दिया गया है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा के लिए स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो ऑथराइज करती है म्यूनसिपलिटीज़ को कि टैक्स लेवी करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और अप्रोप्रिएट टैक्स करने के लिए ड्यूटीज, टॉल्स एंड फीस वगैरह का, ठीक है। प्लस CFI जो होगा, CF ऑफ स्टेट जो होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, वहाँ से भी पैसा मिलेगा, ग्रांट मिलेगा। आर्टिकल 243 Y फाइनेंस कमीशन है, तो आप सभी देख रहे हैं कि सिमिलर है पंचायती राज की तरह, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन जो गठित होगा अंडर द 243 I की तरह, वो रिव्यू करेगी फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड मेक रिकमेंडेशन टू गवर्नर। 243 Z ऑडिट एंड अकाउंट है, ठीक है। 243 ZA आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। तो जो 243 K के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा, वो वही रिस्पॉन्सिबल होगा सारा कुछ करने के लिए, ठीक है। 243 ZB, और ये अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ मॉडिफाई करके यूटी में भी अप्लाई हो सकता है। और 243 ZC में कुछ एरियाज एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे कि शेड्यूल एरिया हो गया, ट्राइबल एरिया हो गया, ठीक है। जैसे कि इट ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द पावर फंक्शन, जो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल है उसको जो पावर फंक्शन दिया गया है उसको अफेक्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसके प्रोविजन को कुछ मॉडिफाई करके एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। फिर आर्टिकल 243 ZD में डिस्टिंक्ट प्लानिंग कमेटी की बात कही गई है। इट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच स्टेट, तो हर राज्य में इसको एस्टैब्लिश करना है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू कोऑर्डिनेट द प्लान्स क्रिएटेड बाय द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के तरफ जो पंचायत जो प्लान्स क्रिएट किए गए हैं उसको कोऑर्डिनेट कराने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ सच कमेटीज। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि उसमें क्या कंपोजिशन होना चाहिए, उसका इलेक्शन कैसा होगा, मेंबर कौन कौन होंगे, फंक्शन क्या होगा, वो डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और इसी एक्ट में कहा गया है कि मिनिमम 4/5 ऑफ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शुड बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज होते हैं वो इलेक्ट करेंगे मिनिमम 4/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है। फिर आर्टिकल 243 ZE, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात कही गई है, ठीक है। तो फॉर मेट्रोपॉलिटन एरियाज विच इंक्लूड रीजन्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख या उससे अधिक अगर पॉपुलेशन है, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट शामिल है, कंप्राइजिंग 2 or more म्यूनसिपैलिटीज़ है, तो उसको कहा जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरियाज। पर्पस इसका क्या है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग अ डेवलपमेंट प्लान फॉर द एंटायर मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो पूरे एरिया के लिए डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करेगी। द स्टेट लेजिस्लेचर मे मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ सच कमिटीज, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ सच कमिटीज एंड फंक्शन ऑफ सच कमिटीज। तो उसका क्या मैनर होगा इलेक्शन का, मेंबर्स कौन होंगे, वो सब डिसाइड करेगी कौन, स्टेट लेजिस्लेचर। द एक्ट स्टिपुलेटेड दैट अ मिनिमम 2/3 जो कम से कम 2/3 जो मेंबर होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे जो म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा, ठीक है। फिर आर्टिकल 243 ZG, ये आपका बार टू कोर्ट इंटरफेरेंस, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती तो बार किया गया है पंचायती राज की तरह। टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया की अगर बात करें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर यूजली फाउंड इन बिग सिटी जैसे कि बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वहाँ पर मिलेगा आपको। अगर बात करें टिपिकल स्ट्रक्चर क्या है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, तो म्यूनसिपल गवर्नमेंट सो ग्रेट वेरियंस इन देयर स्ट्रक्चर एज द एस्टैब्लिश इन द स्टेट्स बाय द एक्ट ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि अलग अलग राज्य बनाती है तो इसमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो एक होगा पॉलिसी मेकिंग पावर, एक है एग्जीक्यूटिव पावर। पॉलिसी मेकिंग में आएगा म्यूनसिपल काउंसिल, और ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, काउंसलर्स का, जिसे काउंसलर्स कहा जाएगा, और कुछ पर्सन नॉमिनेट भी किए जाएंगे। जो मेयर होंगे वो इस काउंसिल के हेड होंगे, और एक स्टैंडिंग कमेटी होगी जो काउंसिल के वर्किंग को हेल्प करेगी। जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो होगा म्यूनसिपल कमिश्नर के पास, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल। काउंसिल जो भी फैसला लेगी उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, या स्टैंडिंग कमेटी। जो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगा कॉरपोरेशन का वो अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा।
ठीक है। अगर बात करें म्यूनसिपैलिटीज़, तो ये क्या होता है, द स्मॉलर सिटीज टेंड टू हैव द प्रोविजन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ का प्रोविजन होता है। द म्यूनसिपैलिटीज़ आर ऑफन कॉल्ड अपन बाई अदर नेम्स, जैसे कि म्यूनसिपल काउंसिल हो गया, म्यूनसिपल कमिटीज़, म्यूनसिपल बोर्ड, तो अलग अलग राज्य में क्या है, अलग अलग नामकरण है। लाइक अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ए म्यूनसिपैलिटीज़ ऑल्सो हैज थ्री अथॉरिटीज़, तीन अथॉरिटीज़ यहाँ भी है, जैसे काउंसिल होगा, स्टैंडिंग कमिटी होगी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। एक होता है नोटिफाइड एरिया कमिटी, नोटिफाइड एरिया कमिटी, ये क्या होता है, नोटिफाइड एरिया कमिटी आर सेट अप फॉर द फास्ट डेवलपिंग टाउन्स, जो फास्ट डेवलपिंग टाउन्स है उसके लिए सेट किया जाता है, एंड टाउन्स लैकिंग द बेसिक एमिनिटीज, जिसके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है उसके लिए किया जाता है। एस्टैब्लिश बाई द नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट थ्रू द इट्स फंक्शन, ऑल द इट्स फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट म्यूनसिपल एक्ट, ये इस्टैब्लिश होता है किसे, गवर्नमेंट गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके, और जो का फंक्शन है वो आपका आएगा स्टेट म्यूनसिपल एक्ट के तहत। अब जो भी जितने भी मेंबर हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी के, ये नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ये ना ही तो इलेक्टेड बॉडी है ना ही स्टैचुटरी बॉडी है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर एक आता है टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी की अगर बात करें तो ये आपका स्मॉल टाउन में मिलता है, ठीक है, और इट इज़ मिनिमल अथॉरिटी, जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग होता है, ड्रेनेज रेड हो गया, ये सबसे काम है, और ये एक सेपरेट एक्ट ला के इसको क्रिएट किया जाता है, इसका कंपोजिशन फंक्शन सब उसी एक्ट से मिलेगा। ये भी क्या होगा, ये तो होली पूरी तरह से इलेक्ट किए जाएंगे या पूरी तरह से नॉमिनेट किए जाएंगे, इसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या पार्टली इलेक्ट होगा या पार्टली नॉमिनेशन होगा। फिर एक आता है कैंटोनमेंट बोर्ड, ये क्या होता है, ये सेट किया जाता है फॉर सिविलियन पॉपुलेशन लिविंग इन द कैंटोनमेंट एरिया, तो कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत इसको सेटअप किया जाता है, ठीक है। वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होगा, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्रिएट भी करती है और एडमिनिस्ट्रेट भी करती है कैंटोनमेंट बोर्ड को, और इसमें क्या होगा, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे कैंटोनमेंट बोर्ड के वो अपॉइंट किए जाएंगे इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। टाउनशिप क्या होता है, तो टाउनशिप इज अनदर फॉर्म ऑफ अर्बन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज टू द स्टाफ एंड वर्कर्स लिविंग इन द कॉलोनीज एस्टैब्लिश नियर द प्लांट, कोई प्लांट है मान लीजिए कोई थर्मल प्लांट है, तो उसके कॉलोनीज में जो स्टाफ है वर्कर्स है, तो उसको एक बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए टाउनशिप क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं और मेरली एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। पोर्ट ट्रस्ट क्या होता है, पोर्ट ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया गया पोर्ट एरियाज में, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दो कारणों से, एक तो मैनेज करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए पोर्ट्स को, एंड टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे और कुछ मेंबर्स नॉमिनेट भी किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा, एक्ट ला के इसको बनाया जाता है। फिर होता है स्पेशल पर्पस एजेंसी, ये कौन होते हैं, दीज एजेंसीज अंडरटेक द डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज और स्पेसिफिक फंक्शंस बिलोंगिंग टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक अगर काम करना है, फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वे काम करती हैं। दीज आर एस्टैब्लिश्ड एज स्टैट्यूटरी ऑथॉरिटीज बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और एज डिपार्टमेंट्स बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, या तो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन लाकर या राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाकर इसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करती है एंड डील्स विद द फंक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दम इंडिपेंडेंटली ऑफ द लोकल अर्बन गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री डीलिंग विद सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, अगर जो कॉन्कर्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, ये आपका सेटअप किया गया था 1954 में अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाई एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्या है, बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइज करती है, इसमें कौन होंगे, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट इन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्टर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अलग अलग इसमें मिनिस्टर शामिल है। द यूनियन मिनिस्टर एक्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। सोर्सेज ऑफ म्यूनसिपल रेवेन्यू, पैसा कहाँ से आता है, तो एक हो गया इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करेंगे तो एक टैक्स हो गया नन टैक्स, टैक्स में प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, नन टैक्स में रेंट ऑन म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज, यूजर चार्जेस एंड प्रॉफिट एंड डिविडेंस। अगर हम बात करें एक्सटर्नल की बात करें तो एक हो गया असाइन रेवेन्यू, एक हो गया ग्रांट्स एंड लोन्स। असाइन मतलब टॉल टैक्स ड्यूटीज़,
फीस को करेक्ट किया गया, ठीक है, वो सब हो जाएगा। और ग्रांट जो मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन से, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, कैपिटल मार्केट, ये सब अलग अलग से मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये आपकी कहानी थी कंप्लीट म्यूनसिपैलिटीज़ की। तो आपका यहीं पे ख़त्म होता है चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम देख के पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।